हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक बैटरी मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ आप लोगों को डिविडेंड भी पे करती है एंड ऑलमोस्ट डेट फ्री भी रहने वाली है ये कंपनी। इस कंपनी में LIC के साथ साथ और भी कई सारे बड़े DIS का पैसा लगा हुआ है। इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास के निकल के आ रही है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है, कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। गाइस, कंपनी का नेम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी का नेम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी ये नेम सुन के 90% लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये कंपनी करती क्या है। बाकी जो चीज़ इस कंपनी के बारे में आप लोगों को नहीं पता है वो है कि कंपनी बैटरी मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ एक इंश्योरेंस कंपनी भी रहने वाला है। 74% ऑफ द रेवेन्यू जो है कंपनी की वो तो बैटरी से जनरेट होती है, लेकिन बाकी 26% रेवेन्यू कंपनी की लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से जनरेट होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर ये सब कुछ पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ लेना। गाइस, यहाँ पे आप लोग सब कुछ देख सकते हो कंपनी के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, यहाँ पे कोलाब्रेशन कहाँ कहाँ पे है, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल रेवेन्यू ब्रेकअप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। कस्टमर बेस, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्टोरेज बैटरी सेगमेंट में 74% कहाँ कहाँ से जनरेट होती है, 26% इंडस्ट्रियल सबमरीन से 1%, ये सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को डिटेल में देखने को मिल जाएगा। अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 12,882 करोड़ के आसपास के कंपनी की मार्केट कैप है। 17.7 की PE है, 17% है ROCE एंड 11.8% है रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 6.1% के आसपास के निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है एंड डिविडेंड यील्ड कंपनी की 1.32% है, फेस वैल्यू 1 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो प्रोज में जो पॉइंट है उसमें से एक पॉइंट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया था, और अगर लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की जो डिविडेंड पे आउट है वो 30% अप्रॉक्सीमेटली निकल के आ रही है, जो कि काफ़ी सही है। अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी की लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी टाइम के कंपेरिजन में काफ़ी कम है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर दिसंबर की क्वार्टर में देखा जाए तो दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी 178 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दिया था एंड ये कंपनी कभी कभी लॉस देती है, एंड टू एंड कंपनी प्रॉफिटेबल रहने वाला है। अगर करंट ATM में देखा जाए तो करंट ATM में कंपनी 730 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के फाइनल रिजल्ट में आप लोग 800 से 900 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। और अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री रहने वाला है। कंपनी डेट तो इंक्रीज किया है, लेकिन उसके साथ साथ रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है, और अगर रिजर्व के कंपैरिजन में डेट देखा जाए कंपनी में तो टोटली कंट्रोल डेट है, काफी कम डेट रहने वाला है रिजर्व के कंपैरिजन में इस कंपनी में। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो ये मार्च क्वार्टरली की अपडेटेड है, मार्च क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है एंड DIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर प्रोमोटर्स में डिस्कस करें तो देख सकते हो एक ही बड़े प्रोमोटर है इस कंपनी में। FIIs में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल की होल्डिंग है, बाकी और किस किस की होल्डिंग है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। और अगर DIIs में देखा जाए तो काफ़ी सारे बड़े रिटेलर की पैसा लगा हुआ है, उनमें से LIC भी एक है। बाकी और भी कौन कौन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है यहाँ पे जो मेंशन है, यहाँ पे देख सकते हो एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास निकल के आ जाएगी। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो गाइस, मैं तो यही बोलूंगा शॉर्ट टर्म के कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म में आप लोगों को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए इस कंपनी को, ठीक है। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, रास्ते में जाओ, नॉर्मल घर के सामने रास्ते में जाओ, कोई भी कमर्शियल व्हीकल उठा लो, 5 में से 3 गाड़ी में आप लोगों को एक्साइड का ही बैटरी देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ डेफिनेटली इस कंपनी को आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, काफ़ी सही कंपनी है।
एंड बहुत ही पुरानी कंपनी है, तो आप लोग इस कंपनी को ट्रस्ट भी कर सकते हो बैटरी के मामले में। कोई भी ऐसा कोई इशू नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है रिगार्डिंग दिस कंपनी, तो आप लोग डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर करके इस कंपनी को चल सकते हो। मैं तो यही बोलूंगा शॉर्ट टर्म के कंपेरिजन में लॉन्ग टर्म में ही जाना बेहतर रहेगा इस कंपनी में। शॉर्ट टर्म में कुछ खास रिटर्न आप लोग को नहीं मिलेगी, हो सकता है 6-7 महीने के लिए आप लोग इन्वेस्ट तो कर लिए, लेकिन हो सकता है आप लोग को लॉस में निकलना पड़े। इसलिए बोल रहा हूँ 5-10 साल के लिए अगर जाना चाहते हो तो वो बेहतर रहेगा इस कंपनी के लिए, डिविडेंड भी मिलती रहेगी कंपनी की तरफ से। तो गाइस ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कल कंपनी में क्या हुआ था। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के वेबसाइट पे और ये कंपनी जो है वो निफ्टी 500 में लिस्टेड है। और अगर कल के बारे में डिस्कस करें तो 14,60,717 क्वांटिटी में कल ट्रेड लिया गया था, जिसका वैल्यू 2,211.96 लाख रुपीज़ के आसपास के निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 984 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 151.55 के प्राइस पॉइंट पे। और अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो वो निकल के आ रही है 34.5% के आसपास की, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्राडे में ही लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड। वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ रहने वाला है वो बहुत ही ज्यादा वीक रहने वाला है, लोग अभी इसमें इंट्राडे ट्रेड लेना ही प्रेफर कर रहे हैं। डिलीवरी में पोजीशन बहुत ही कम लोग इस कंपनी में बना रहा है, ऐसा साफ पता चल रहा है। अभी हम लोग को ये देखना है कि जो 14,60,000 के आसपास की वॉल्यूम निकल के आई है कंपनी में, क्या ये कंपनी के एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज्यादा है या एवरेज से कम, और ये हम लोग को पता चलेगा NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए NSE के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। अगर कल के बारे में डिस्कस करें तो कल ये कंपनी 1.08% डाउन थी, 151 रुपीज़ के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और अगर कल के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कल की जो वॉल्यूम है वो एवरेज से स्लाइटली कम निकल के आई है, एंड वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी हद तक वीक ही रहने वाली है, अंदर से खोखला है वॉल्यूम टोटली एज ऑफ नाउ। अभी ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी जो है वो एक हिडन शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन कर रही है, तो अगर इसकी ब्रेकआउट हो जाती है तो वेट फॉर दी बाउंस बैक फ्रॉम दिस सपोर्ट। 125 रुपये की ये जो सपोर्ट है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रही है इस कंपनी के लिए। अगर 125 रुपये के लेवल से बाउंस बैक देती है तो बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद बाई करके चल सकते हो फॉर दी टारगेट ऑफ 152 ऑलमोस्ट। सेकेंड टारगेट होगा 175 का, बाकी सभी के सभी टारगेट्स आप लोगों को दिखाया था और कंपनी इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। मैं आप लोगों को और एक चीज़ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कंपनी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। अगर ये जो ऑलमोस्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये जो हाई है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली निकल के आ रहा है 163 रुपीज़, अगर 163 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग कर देती है कंपनी, प्रॉपरली डेली कैंडल पे क्लोजिंग करना चाहिए, तो आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो 175 to 180 के टारगेट के लिए, जो कि ये वाला लेवल आप लोग के लिए निकल के आ रहा है इस कंपनी में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस टारगेट के लिए बाई करके चल सकते हो। तो दोनों ट्रेड मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो वेट फॉर द बाउंस बैक फ्रॉम द लेवल ऑफ 125, जब यहाँ से बाउंस बैक देगी, बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद एंटर करना है। ये रहेगा फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा सेकंड टारगेट। और अभी अगर ये जो टॉप है इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाता है, मतलब 163 के ऊपर क्लोजिंग हो जाता है, तो आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर दी टारगेट ऑफ 175 to 180 के लेवल, एंड 199 का ऑलमोस्ट 200 का लेवल रहेगा सेकंड टारगेट आप लोगों के लिए। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सभी के सभी लेवल्स आप लोगों के सामने यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पोटेंशियल नेक्स्ट 52 वीक हाई की लेवल भी यहाँ पे आप लोगों के सामने है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।